चाचा आ गया। जनक आ गया। केक ले आया होगा? हाँ, शायद मोटरसाइकिल पर है। चाचा मेरा केक। कोई केक वेक नहीं है, रहना। करूं सू मैं एक दो मिनट में। अरे क्या हो गया? करूं सू। सोनिया लगा है छोरे के केक का चक्कर में या मन ने भी भूल गई। चिकू क्या हो गया बेटा? चाचा ने धक्का मारा। उठ। मन्ने की तुम्हारा है झूठ बोलिया तो ऐसा मारूंगा थप्पड़े। तन्ने दिखाया से जब भी तो पड़ा से। अच्छा मन्ने दिखाया है, कह ले तू भी कह ले, तू तो कहेगी। तन्ने तो बाना चाहिए मन्ने नीचा दिखाने का। मन्ने ऐसा के कह दिया जो देखा से वो ही बताया से। अच्छा जा मारा है धक्का कर ले के करेगी। जनक क्या हो रहा से इतना छो में क्या ता रहा से? तन्ने ठुआ रखा है छो। ठीक से ना ठुआती जो केक की कही थी वो कित से? केक किसा केक है? केक के पीसे दिए थे चिकू के जन्मदिन का केक कित से? कोई केक भी को नहीं ले आऊंगा थारे खातर केक है। के बात होगी रे, क्यों रोड़ा कर रहे हो? दादा चाचा मेरा केक ना लाया। तेरे तो कही थी सोनिया मंगवाया क्यों ना? दिए थे जनक तो पीसे। अरे पैसे दिए थे तो लाया क्यों ना? ध्यान ना रही। अरे पैसे दिए बादशाह भी तेरा ध्यान ना रही। पैसे बड़े 4-5 हज़ार दिए थे, 500 रुपए सारे दिए थे। फिर इतने में केक ना आता के? क्या मोटरसाइकिल खराब हो गई थी सारे इसमें लाग गए? अरे मोटरसाइकिल की सर्विस करवाई तो थी 2-4 दिन पहले। पुरानी से फिर हो जा खराब है, कोई मेरे हाथ में से? पैसे तो और भी ले रहा होगा जेब में। देव सो कोई अठन्नी, काम खातर जितने देव सो उनका हिसाब ले लो। नौकर बना के छोड़ रखा हूँ, इस घर में कोई कदर है को नहीं मेरी। अरे फिर इतनी खार क्यों खा रहा था? तन्ने किस चीज तो नाटे सा सब है क्या ना नाटो सो करने के दियो सो मेरे नाल में। हाँ तू और आजा, तेरी एक असर थी। क्यों ना हूँ, तुम तो दाब लेते मेरे नाल में। बाहर तो आया था कहा पानी तो दूर की बात है, दोनों सुसरा बहू उसका सर पर चढ़ गए। हमने केक रहा था भूत दिए थे छोरे के जन्मदिन का केक क्यों ना लाया? और ऐसा जन्मदिन घर में किने बना लो केक क्या करा क्यों चल चल कर रहे सो? अरे बालक है इसका भी मन खुश हो जाता। जन्मदिन तो कुछ दिन पहले मेरा भी था जब कुछ ना करया था हमने। अरे छोरे पागल तो ना हो लिया से तू? अरे तू इस बालक क्यों ओढ़ करेगा? ठीक कहो सा छोरा, जब इसका जन्मदिन था जब तन बोले सोच लिया अच्छे ना लागते। अरे बे अरे के बढ़ रहा था तारे दिमाग का मैं कि मैं ना बढ़ रहा चल रहे ना इतना सिरपन हुए चढ़े रहेंगे। केक बेटा केक मिला को ना ले ले ये पैसे तो अपने चॉकलेट खा लिए। दादा मने केक चाहिए। बेटा चिकू जितना किया करते जा खेल ले। बेटी सन इस खतर हलवा बना दिए राजी हो जाएगा। ठीक सब आओ जी। आपका बैग, आपका सारा सामान गाल दिया और आप खातर देसी घी के लड्डू बना के पैक कर रखे हैं, याद तो खा लियो। ठीक से और ख्याल रखिए अपना भी घर का भी। ठीक से की बात राजी को ना जी? मैं तो की कहूँ सू वो आपका लाल दुखी सा हो रहा है। अच्छा कित समय दर साहब वो बैठा सर। अरे क्या हो गया मेजर साहब? ओहो मेजर साहब नाराज हो रहा है। देख बेटा ड्यूटी पे तो जाना ही पड़ेगा,
ड्यूटी बजाऊंगा जब 32 साइकिल लाऊंगा। सही है सर ना साइकिल? हाँ। तेरी साइकिल तेरे जन्मदिन पर आ जाएगी, ठीक से? कौन ले आओगा? अरे मेजर साहब हम लाएंगे। और बता क्या चाहिए तने? केक। केक? हाँ हाँ केक भी लाऊंगा। कितना बड़ा चाहिए? इतना बड़ा। इतना ही बड़ा लाऊंगा और जरूर लाऊंगा, ठीक से? इब तो राजी हो जा, हो जा, हो जा। ईश्वर है कितना आदत खराब हो रही है, बात बात पर मुझका बैठ जा से। अरे बालक से करे करे। इतना भी नहीं करना चाहिए, असल में इसकी माँ ने चल पसंद आ रखा से। अरे किसी बात करे से तू छोरा जा वैसे, और तू कड़वी बोल से। के कड़वी बोल दी? अच्छा मामा चल लो। ठीक है बेटा आराम तो जाइए, और आड़े की फिक्र मत ना करिए, आड़े तो नुए चले जाएगा। थारे होते हुए किस बात की फिक्र सा मामा ने? ठीक से बाबू, ख्याल रखिए अपने तबीयत का। ठीक से बेटा ख्याल रखूंगा, और तू भी चिकू की घनी फिक्र मत ना करिए, हम ले आवांगे इसका केक। जनक कित गया, अड्डे तो छोड़ जाता मैंने। उसकी तो यह आदत है काम के टाइम कद देना पावे। काम जा रहा था और तन्ना तो भेजा था बीज लेने खातिर। बीज भी आ जाता कृष्ण ने छोड़ जाता, और आते टाइम बीज ले आता। कोई बात ना बाबू चले जाऊंगा, मिल जाएगा कोई साधन, ना तो अड्डे ताई तो पैदल जा सकू हूँ, फौजी हूँ। ठीक से बेटा। भाई साहब। हाँ क्या हो गया? सीओ साहब का ऑर्डर आ रहा है। क्या ऑर्डर आ रहा है? किससे न कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, दुश्मन ने धमकी दी है हमला करण की। इन दुश्मन की आदत खराब से, हर बार अपनी इसी तीसी करवावे। कोई बात ना भाई साहब, हमने भी आदत पड़ गई तो इनकी इसी तीसी करण की। ठीक कह जवान। अच्छा भाई साहब नू बताओ, भतीजे ने बना लिया के जन्मदिन? फोन पर हुई थी बात उनसे? हाँ करी थी बात, पर बीच में काट दिया फोन तेरी भाभी ने। बीच में काट दिया क्यों? अरे केक, वो चिकू का केक आ गया होगा, उस चक्कर में फोन ने काट दिया। अच्छा कोई ना, बना लें दे उन जन्मदिन। हाँ उनकी खुशियाँ खातर तो हमारा पैरा दे रहे था, बाकी वह कर लेगी फोन फ्री हो गए। मने बेरा है इब तो अछोरे की खुशियां मगन हो रही है। सही कहा सर। आज तो मेजर साहब बहुत खुश हो रहा होगा। क्यों हो गया ना लाया चॉकलेट? मैंने केक चाहिए। बेटा जिद ना करया करते, चल खड़ा हो जा, सान ने मेरे बेटा खातर हलवा बनाऊंगी। मैं कोन्या खाता हलवा, मैंने केक चाहिए। केक? बेटा तेरा पापा होगा ना, वो ले आओगा तेरे खातर केक, वो भी इतना बड़ा। हाँ पापा करे इसके सारे काम, और तो कोई लाड ना करता। किसी बात करो उमा जी। किसी बात करो सु, क्यों बालक का मन में जाए बोलन लाग रही है? यो तो नुए तो होगा कि मेरे पापा बिना मन कोई ना चाहता। दादी मेरा केक। चुप हो जा, इतनी जी गाखी ना होती, मन अपनी माँ ना समझिए, तेरे मन में जो क्या रे। अरे क्यों छोरे का सर हो रही है? हाँ तेरे भी सिर हो रही सु, तब ना तुम्हें डाकर लड़की दिखो सु। अरे बालक से आज इसका जन्मदिन से, एक वो निकम्मा इसका केक ना लेके आया, ऊपर था तू इसके पास चला गई। मैं मन क्या कर दिया, कोई बात पत्थर की लगी नहीं होनी चाहिए, तू कर गई इतना लगी। हेलो काट दिया के केक? केक ना ना रात ने। पर मेरा केक तो ना आया। साल बेटा मैं दिवा के लाऊंगा तेरे चीज, फिर बेटे ना चॉकलेट चिप्स कुरकुरे साल। हेलो हाँ क्या हो गया,
क्या कहा था मेजर साहब? वो चॉकलेट की जिद कर रहा था, बाबू ले गए उसने चॉकलेट दबा। आज तो पूरे ठाठ ले रहा है मेजर। चलो जन्मदिन तो बढ़िया मन गया उसका, बाकी घनी बाहर की चीज मत खान दिया कर। ना ना घनी ना खानता, बस कदे कदे। हाँ ठीक से। एक बात बताऊँ सोनिया, मन्नाड़ा थारी याद तो बहुत घनी आव है, पर थारी इतनी फिक्र ना होती। फिक्र ना होती क्यों? अरे इतना भरिया पूरा परिवार से थारा ध्यान रखने खातर, जनक माँ बाबू सारे तो से, और मन ने इस बात की पूरी तसल्ली से कि मेरा पूरा परिवार प्यार मोहब्बत के साथ रहा है। हाँ यह बात तो से। की बात, तू इतनी चिंता से में क्यों हो रही है? अच्छा याद आती होगी मेरी तने। हाँ हाँ। चल कोई बात ना, दो तीन महीने पाछे तो आ ही लूँगा मैं। ठीक से? ठीक से जी। अच्छा काटू हूँ मैं। बाबू किमी करेगा कि नहीं? के करना है बता? मेरी नौकरी का। तेरी नौकरी का मैं क्या करूँगा भाई? जो करना तन्ना ही करना है, मैंने तो पढ़ा दिया लिखा दिया, कोचिंग के पैसे देने ला रहा, और क्या करूँगा बता? बिना पैसे ना बने बात है। अरे पैसे दे के नौकरी लग गया तो के नौकरी लग गया फिर भाई? मारा इतना ब्यूत भी ना है कि तेरी नौकरी खातर रिश्वतें दे दिया। बाबू पैसे ना है तो ठाले के दाते, मेरे दोस्त का मामा से 5 लाख में काम करवा देगा। ठा लिया मतलब ब्याज पर ले लिया? ना भाई ना, कर्जा लेना होता ने तो इवने कई काम निपटा लेता, कम खा लेंगे पर कर्जा ना लेवा। बाबू तू समझता क्यों ना, मैं नौकरी लग जाऊँ तो माप बता दूंगा। हर ना लग गया तो बिचौलिए पैसे लेके बाज गया तो फिर क्या करेंगे? पहले उल्टी सोच लिया कर तो गारंटी का आदमी से पीछे दिए पाछा ये गारंटी दरी की दरी रह जाया करे। इसे मामले बहुत देखे से मैंने समझा। मतलब तू ना चाहता कि मैं कामयाब हूँ, अपने पैरा पे खड़ा हो जाऊँ? अरे मैं तो बहुत राजी हूँ, तू अपने पाया पे खड़ा हो जा, ओके तो देखा। बाबू नू ना हो जाता के तो मेरा नौकरी वाला काम करवा दे, के कोई काम धंधा शुरू करवा दे, पीछे तो नाम लागने। वह अपने तो रस्य नहीं। हाँ वे अपने तो रस्य नहीं, दूसरा दूर लेने नहीं। साफ साफ कह देना है तू मैंने नू ही रखना चाहे है। छोरे कड़ा बोलन ला गया तू? ठीक कह छोरा, कीमा चा करी खातरे ईब के कसर छोड़ राखी से, और कितना करूं ई ब्याज पर पिए तो ना ठाए जावे तो और की मेरा देख नु तो छोरा रह जाओगा, आज का ब्याह भी ना होगा। मैं करसन ता बात करके देखू सु वो के कब ऐसे बात करके नहीं, दोनों बाबू बेटा सलाह करके करो इसका की मैं। हां हां कह तो दी करूंगा बात, फिर करसन की सलाह लेनी भी तो जरूरी है। सलाह सलाह में इतने दिन काट दिए जवान बालक से कि मैं उल्टा सीधा सोच लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ तू और चढ़ा दे इसने, मेरी बात तो कदे सुहाती है ना। सुना दे क्यूकर के हाल चाल है? जी हाल चाल तो बढ़िया से, पर आप तो एक बात करनी थी। हाँ बोल, मेरे तो बात करने खातर परमिशन चाहिए क्या तने? जी वो जनक का कि मैं करवाऊ ने। जनक का क्या हो गया? जनक का पढ़ाई भी पूरी होली और कि मैं काम धंधा नौकरी। पढ़ाई पूरी होली पर कोचिंग तो ले रहा है ना? अरे यार ठीक ना से तो और कितने ले लेगा, और फार्म भरेगा कोशिश करेगा ना हो जाएगा कितने न कितने। वो तो पैसा की कवस है। नौकरी खातर पीछे बावड़ा सा वो पीछे तो नौकरी को न मिले अगर मेहनत करे तो मिला है नौकरी। देख मन्ने देख मन्ने मेहनत करके नौकरी पाई है। वो तो नू ही क्या था? अरे मन्ने तो कई बार कह लिया उसने कि आर्मी के फार्म भर ले, मेरे तो ज्यादा पढ़िया लिखा है जरूर लग जाएगा वो। आर्मी? आर्मी की नौकरी ना करे वो। क्यों आर्मी की नौकरी में क्या कमी है? बेराना आपकी मैं समाधान काट दो इसका, माँ जी भी घनी परेशान रहवस है।
आकर करूंगा बात, समझाऊंगा उसने। लो माँ जी तो बात कर लो। हेलो माँ, राम राम। राम राम बेटा, ठीक से के तू? हाँ माँ, कति मौज में सू। अच्छा मैं तेरे तन्यू कहूँ था, तू घनी चिंता फिक्र मत ना करे, अगर एक दो दिन में आ लूंगा छुट्टी। फिक्र है? क्या की फिक्र है? जनक की, उसके काम धंधे नौकरी की फिक्र कर रही है ना तू? तेरे तक किसने कही था? बताओ थी सोनिया। अच्छा तोड़े की सारी बात बताओ से तेरे ते? किसी बात करे है माँ, घर की बात ते तो से बताई दी तो बताई दी, इसमें क्या दिक्कत से? दिक्कत से ना भाई, बात बताने का तरीका होया करे। इसने के बड़ा चढ़ा की बात बताई होगी तेरा आगे? कुछ बड़ा चढ़ा का ना बताई। और सुन, मैं सुन मैं आप संभाल लूंगा और जनक ने भी समझा दूंगा, तू घनी चिंता मत ना करे। अगर कर लिए भाई के करेगा, मेरी रह के गई, सारा जी करे वो कर लो। दिक्कत तो सही कि मैं इनके में घर में या सोनिया बताती है कौन है। खैर देखा है क्या हुआ है, बस एक बार या 26 जनवरी ठीक ठाक लगड़ गया। चिकू कि जाओ से भाई आज? दादा आज स्कूल में 26 जनवरी मनावांगे। अच्छा रे, या तो बहुत बढ़िया बात से। दादा 26 जनवरी क्यों हो वैसे? 26 जनवरी मारा गणतंत्रता दिवस हो वैसे बेटा। 26 जनवरी सन 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान क्यों होया करे दादा? संविधान होया करे कानून, अपने देश में अपना कानून लागू हुआ था, वो कानून जो हमने आजादी के अधिकार दिवस है। हरी संविधान के हिसाब से सब नागरिका के कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य हो से बेटा। अधिकार? हाँ बेटा, जो करता ना पढ़न लिखन का, खेलन कूदन का अधिकार से, अपनी मन मर्जी के काम कर सके से, ये तेरे अधिकार से। और पापा के? अधिकार तो तेरे पापा के भी से, पर वो एक फौजी से, अपने अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा से, ड्यूटी दे के। और तेरा कर्तव्य से स्कूल में जा, अपने बुजुर्ग की बात मान। ठीक से बेटा? ठीक से दादा। ठीक से बेटा जा। हेलो बाबू। राम राम बेटा। राम राम, ठीक से? हाँ बाबू ठीक सो। वो जनक ने समझाइयो। क्या हो गया? उसने कहो अपनी तैयारी करेगा किता नहीं किता बैठ जाएगा सूत, और बल्कि मैं तो न्यू कहूँ हूँ आर्मी के भर देगा, लेकर रही है वैकेंसी। आर्मी की तो भाई वो करना है ना चाहता, और बाकी और तो मैं उसने समझाता रहूं इसू। बेरा ना माँ भी कि मैं चिंता सी में थी, मैंने सोचा तेरते बात करके देख लूं। भाई घर परिवार में छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहे, अगर तू घनी चिंता मत ना करा कर। ठीक से बाबू, समझा लिए, मैं तो तेरे भरोसे हूँ, बाकी आऊँगा जब बात कर लूँगा। हाँ ठीक से। अच्छा सुने, मैंने कहूँ था वो लोन आला के रहा? लोन हो जाएगा, और होली तो पहले आ लूँगा, इब का होली गांव में मनानी है। ठीक से बेटा, सोनिया से बात करवाऊँ के? कर लूँगा बाद में, इब ड्यूटी पर सूँ। किरसन है? किरसन है? हेलो हेलो हेलो
भाई साहब ने अपनी माटी ते अपना देश ते और अपना परिवार ते बहुत प्यार था। अरे लाल जाइयो रे दुश्मनो तारा, अरे किसे ने तारा के बिगाड़ा था, तारा के बटा से जो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे सो। तारी बंदूक ते निकली गोली किसे माँ का लाल छीन ले से, किसे बेटे का बाप और किसे सुहागण की मांग। अरे तुमने के मिल गया रे गोली चलानी हो, के मिल गया। माँ जी आप एक शहीद की माँ हो, नू रो कर उसकी आत्मा ने दुखी मत ना करो। हिब के होगा बेटा। तब जी भाई साहब का सारा हिसाब किताब मिलेगा और शहीदी के नाम के अलग तपी से मिलेंगे और परिवार का एक सदस्य ने नौकरी मिलेगी। नौकरी कौन करेगा नौकरी? बेटा जनक तेरे भाई ने तेरे पैसा बंदोबस्त कर दिया है, तू कर लिया अपना काम धंधा, वो जा अपने पैरा पकड़ा। नौकरी का तो हम के करांगे, कौन करेगा नौकरी? मैं करूंगी, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जान दूंगी। मैं करूंगी नौकरी अपने देश खातर और अपने परिवार खातर। पागल से के तू क्यों करेगी नौकरी? मैं करूंगा फौज की नौकरी, अपने भाई की शहादत का बदला लूंगा और दुश्मना ने सबक सिखाऊंगा। भाभी तू तो मेरी माँ समान है, तन्ने और चिक्कू ने कदे दुखी नहीं होने दूंगा। माँ बाबू मना आशीर्वाद दो, मैं अपने भाई के अधूरे काम पूरे करना चाहूँ सो, इस देश की सेवा करना चाहूँ, सेवा करना चाहूँ। बेटा मना बहुत घना गर्व है, मेरा एक बेटा देश रक्षा करता करता शहीद हो गया और दूसरा बेटा देश सेवा करने तैयार कर गया।